क्राइम अलर्ट, डरना नहीं मिटाना है। किसी ने कुछ देखा? दिन दहाड़े लड़की का मर्डर हो गया सड़क पे और किसी ने कुछ नहीं देखा? डेड बॉडी की तलाशी लो, तुम बैग चेक करो। मैडम, ये विक्टिम का आई कार्ड मिला है। समीरा कुमारी, महारानी इंजीनियरिंग कॉलेज गर्ल्स हॉस्टल। मैम, समीरा बहुत ही इमोशनल लड़की थी, छोटी छोटी बातों में उसकी आंखें भर आती थी, तो हमें लगा उसके साथ ये सब नॉर्मल है। ठीक है, अगर उसके बारे में कोई इंफॉर्मेशन मिले तो पुलिस स्टेशन फोन करना। क्या कर रही है? वही जो तू कर रही है। मैं तो अपने नए बॉयफ्रेंड से बात कर रही हूँ। अब तुझे पता है ना, नए प्यार में रोमांच और रोमांस दोनों ही थोड़े ज्यादा होते हैं। हाँ हाँ, जानती हूँ, लेकिन मेरी फितरत तुम्हारी वाली नहीं है ना। मेरा पहला प्यार ही आखिरी प्यार होगा। ओह, तब तो मिलना ही पड़ेगा तुम्हारे इस मिस्टर फॉरएवर से। हाँ हाँ, क्यों नहीं। और तू कब मिलवाने वाली है अपने लेटेस्ट वाले से? अच्छा सुन, कल वैलेंटाइन पे सब मिलने वाले, तो तू अपने मिस्टर फॉरएवर को भी ले आना, डबल डेट मारेंगे। हाय जान, मैं तुम्हें याद कर रहा था। समीरा का मर्डर हो गया है। क्या? कहीं तुमने कुछ नहीं किया ना? अरे तुम पागल पागल हो गई हो क्या? सर, अभी तक कोई लीड मिली नहीं है, लेकिन हम केस पर काम कर रहे हैं। श्योर सर। मैम, कई सारे कॉल रिकॉर्ड चेक किए, पता भी किया, काफी सारे आपस में बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड निकले हैं, लेकिन दो नंबर ऐसे हैं मैम जिसमें आपस में बातचीत तो हुई, लेकिन लड़के लड़की में कोई कनेक्शन नहीं निकला है। दोनों को अलग अलग टाइम पर थाने पे बुला। अंधेरे में रोशनी का सुराग, यही दोनों लग रहे हैं। तुम ही से बात हुई थी ना उस दिन? जी। नेहा। नेहा वो लड़का कौन है जिससे तुम अक्सर फोन पर बातें करती थी? कुणाल मैम। चक्कर चल रहा है? नहीं नहीं मैम। फिर? मैम, दरअसल कुणाल मुझे फोन किया करता था रेखा के बारे में जानकारी के लिए। कैसी जानकारी? वही कि रेखा कहाँ जाती है, कब जाती है, कब वापस लौटती है, वही सब। कब से जानती हो कुणाल को? मैम, कुणाल अक्सर रेखा से मिलने हॉस्टल के बाहर आता था, तभी उसे वहां देखा था। के बाद एक दिन नेहा, हाय कुणाल।
रेखा बॉयफ्रेंड जानती हूँ. एक्चुअली बॉयफ्रेंड हूँ या नहीं, उसका फ्रेंड हूँ या और कुछ. मतलब ब्रेकअप हो गया? नेहा प्लीज तुम मेरी एक मदद कर सकती हो? मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकती हूँ? एक्चुअली रेखा ने कुछ दिन पहले मुझसे 14,000 रुपए उधार लिए थे और अब जब मैं उससे वापस मांग रहा हूँ तो वो मेरा फोन ही नहीं उठा रही. बस मुझे तुम्हारी इतनी सी हेल्प चाहिए कि जब भी वो हॉस्टल से कभी भी बाहर आए तो मुझे कॉल करके बता देना प्लीज. ठीक है. थैंक यू नेहा, सो नाइस ऑफ यू. तो तुम रेखा की सारी डिटेल्स कुणाल को देने लगी? ऐसा क्या पंगा हो गया था रेखा के साथ? मैम मैं रेखा से गुस्सा थी. दिखता नहीं है क्या तुझे? क्यों, तुम देख के नहीं चल सकती? अनपढ़ गवार पता नहीं कहां कहां से आ जाते हैं. ए क्या बोली भाई? जो तूने सुना, तू ही है अनपढ़ और गवार दोनों. अनपढ़ गवार मुझे कह रही है मैडम पहली बार तो लाइब्रेरी आई है. हाँ पूरा साल लड़के बदलती रहती है और आज देखो एग्जाम के पहले पढ़ाई का दिखावा. मैं कुछ भी करूँ तुझे उससे क्या? धक्का कैसे दिया? हाँ छोड़ मुझे, ताकत निकल. धक्का कैसे दिया? छोड़ मैम. उसी दिन से मैं रेखा से बदले की फिराक में थी और जब कुणाल ने मुझसे मदद मांगी तो मुझे लगा कि मेरे पास यही एक मौका है. ठीक है तुम जा सकती हो. ओके मैम. तू नेहा को इतने फोन क्यों करता था? मैम रेखा की खबर लेने के लिए, ताकि मुझे पता चले कि वो कब हॉस्टल से जा रही है और कब वापस आ रही है. क्यों? प्यार करता था मैम उससे, लेकिन वो किसी और के चक्कर में पड़ गई थी. उसने मुझे इग्नोर करना स्टार्ट कर दिया, मेरा फोन तक उठाना बंद कर दिया. इसलिए मुझे नेहा की मदद लेनी पड़ी ताकि मैं रेखा से बात कर सकूं और उससे मिल सकूं. मिलकर क्या करते थे? उसे मनाने की कोशिश. फिर मानी वो? नहीं मैम, हमारे बीच में बहुत दूरियां आ चुकी थी. ये दूरियां कहां से शुरू हुई? मैम ये वैलेंटाइन डे की बात है. ओह हाय समीरा, दिस इज कुणाल माय फ्रेंड. हाय. हाय. ये विशाल. हाय कुणाल. हाय. हाय विशाल. हाय रेखा. विशाल. हाय. वेल मुझे पता नहीं था कि हमारे शहर में ऐसे लड़के भी रहते हैं. अब तो पता चल गया ना. व्हाई डोंट वी डांस? समीरा तुम कुणाल के साथ डांस करना चाहोगी? विशाल वुड यू लाइक टू डांस विद मी? लेकिन रेखा. कम ऑन समीरा, ये तुम्हारे साथ ही रहता है हमेशा. अगर मैं थोड़ी देर के लिए डांस कर लूंगी तो क्या प्रॉब्लम है? रेखा कि हम भी डांस कर सकते हैं साथ में? नहीं मैं ऐसे ही ठीक हूँ. एक्चुअली मुझे ये सब ना पसंद नहीं है. वो तो रेखा ने यहाँ पर अरेंजमेंट किया इसीलिए मुझे आना पड़ा. सॉरी. इट्स ओके.
यार सुमीरा, सही लड़का पिटाया तूने? थैंक्स। हाँ, हमारे शहर में ऐसे लड़के तो नहीं है कम से कम। पता है क्या, मैं सोच रही हूँ ना, मैं ऐसे ही पटा लूँ। किसी के सच्चे प्यार को पटाना इतना आसान नहीं है। चैलेंज दे रही हो मुझे? नहीं, मैं तो बस सच कह रही हूँ, क्योंकि विशाल मुझसे सच्चा प्यार करता है और किसी से पटने वाला नहीं है। ओके, सो वेल इन दैट केस मेरी प्यारी समीरा, आई एक्सेप्ट योर चैलेंज। उस दिन के बाद से रेखा का फोन बिजी आने लगा और फिर एक दिन अच्छा और क्या क्या पसंद है तुम्हें? तुम्हारे जैसे लड़के पसंद है मुझे। मेरे जैसे? मुझ में ऐसा क्या खास है? सब कुछ। जैसे? जैसे तुम्हारी बात करने का अंदाज, तुम्हारी आवाज, और लगता है कि तुम बाकी के सारे काम भी बड़े अलग अंदाज में करते होगे। बाकी के काम देखने के लिए तो तुम्हें मिलना पड़ेगा। ओ, तो बताइए कब और कहाँ? अपना फोन चेक करो, मैंने लोकेशन भेज दी। ओहो, कहाँ? रेस्टोरेंट की? नो, माय रूम। आज मेरा रूममेट बाहर गया भाई। ओके, सी यू सून। सी यू। लगातार फोन क्यों कर रहे हो जब बिजी दिख रहा है तो? पहले तुम मुझे बताओ तुम्हारा फोन कहाँ बिजी था? घर से कॉल आया था। अच्छा, आज से पहले तो तुमने अपने घर वालों से इतनी लंबी बातचीत नहीं की। सुनो, जरूरत से ज्यादा नाक मत घुसाओ मेरे लाइफ में। क्यों, कोई और मिल गया तुम्हें? हाँ हाँ, मिल गया है। अब समझ ही गए हो तो दोबारा मुझे फोन मत करना। पागल हो गए हो क्या? एक बार कहा ना मेरे पीछे मत आओ, समझ में नहीं आती है बात? क्यों, मन भर गया है? देखो कुणाल, मुझे आज सड़क पे तमाशा नहीं करना है। मैं तुम्हें भूल चुकी हूँ तो प्लीज मुझे भूल जाओ। इसे कैसे भूल जाओ, और तुम भी कैसे भूल सकती हो? नाम बता, नाम बता उसका जिसके कारण तूने मुझे छोड़ा है। क्यों, मालिक हो तो मेरे? क्यों, वो विशाल तुझे मुझसे ज्यादा खुश करता है? हाँ, नहीं बकवास बंद करो कुणाल। क्यों बकवास बंद करूं? हाँ, सच सुनकर बुरा लगा? उस दिन विशाल को पार्टी में देखकर तेरी लाट टपक रही थी ना, दिख रहा था मुझे। जब देख ही लिया था तो मेरे पीछे क्यों आ रहे हो? हटो यहाँ से। तूने मुझे उसके लिए छोड़ा है ना, हाँ? अब तो देख मैं क्या करता हूँ। अब वो तुझे छोड़ेगा, मैं अभी के अभी सब कुछ समीरा को सच बता दूंगा। कुणाल, तुम्हें जो ठीक लगे तुम करो, मेरा हाथ छोड़। हेलो। हेलो समीरा, कुणाल हियर। कुणाल, रेखा का बॉयफ्रेंड, उस दिन पार्टी में मिले थे ना? ओ हाँ, सॉरी। बोलो, कुछ काम था क्या? अच्छा, रेखा से बात करनी थी, बट वो तो है ही नहीं रूम में। आई नो, वो रूम पर नहीं है, वो विशाल के साथ। विशाल के साथ? क्योंकि उन दोनों का चक्कर चल रहा है समीरा। पागल हो गए हो क्या? ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन ऐसा ही हो रहा है समीरा, वो दोनों एक दूसरे से बहुत दिन से मिल रहे हैं, बातें कर रहे हैं। बकवास बंद करो, तुम्हें ना अपने प्यार पे भरोसा नहीं होगा, लेकिन मुझे है। समीरा को उस दिन मेरी किसी भी बात का यकीन नहीं हुआ। ये रेखा तो बड़ी शातिर लड़की निकली। सुनो, तुम अभी शहर से बाहर नहीं जाओगे, कभी भी तुम्हारी स्टेटमेंट की जरूरत पड़ सकती है, फिलहाल तुम जा सकते हो। जी मैम। क्या लगता है तुमको? लव ट्रायंगल का मामला लगता है मैं, या फिर आपसी रंजिश, हो सकता है नेहा ने मरवाया हो।
ताकि इल्जाम रेखा पर आ जाए। या वाकई रेखा और विशाल का ही हाथ हो इसमें, खुद एक होने के चक्कर में उसे रास्ते से हटा दिया। सुरेश एक काम करो, सबसे पहले रेखा को बुला। तुम तो उस दिन कह रही थी कि समीरा के अफेयर के बारे में कुछ नहीं जानती, जबकि वैलेंटाइंस डे की पार्टी के लिए तुमने खुद समीरा को उसके बॉयफ्रेंड विशाल के साथ इनवाइट किया था। सच सच बताओ, वैलेंटाइंस डे वाली मुलाकात के बाद तुम और विशाल कब और कैसे करीब आए? बोलो रेखा, वरना हमारे पास और भी तरीके हैं सच उगलवाने के। वैलेंटाइंस के कुछ दिन बाद जान। इतना प्यार, क्या बात है, आज से पहले तो कभी जान नहीं बुलाया। आज के पहले इतना प्यार भी तो नहीं आया। क्या बात है, आज बड़े मूड में लग रही। कहो तो छुट्टी लेकर आ जाऊं क्या? हाँ आ जाओ। वैसे भी उस दिन पार्टी में तुमने पूरा टाइम उस रेखा के साथ डांस करने में बिता दिया। सच बताओ, पसंद आ गई है ना तुम्हें वो? अरे यार ऐसा कुछ नहीं है। आई नो, वो फ्रेंडली है, सुंदर है, मॉडर्न है, पर इसका ये मतलब भी नहीं है कि मैं किसी लड़की से मिलूं और एक ही दिन में मुझे प्यार हो जाए उससे। अच्छा, तो मतलब बार बार अगर किसी से मिलोगे तो प्यार हो सकता है? अरे नहीं बाबा, ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन देखना, तुम्हें एक दिन उससे प्यार जरूर हो जाएगा। अरे यार ये सब कैसी बातें कर रही हो तुम? छोड़ो ये सब, तुम अब मेरे बारे में सोचना छोड़ दो। ये समीरा को क्या हो गया? समीरा, विशाल का नंबर देना तो। क्यों, उससे क्या काम है? काम नहीं, चैलेंज। क्या हुआ, भूल गई? अब तू नंबर नहीं देगी तो मैं इसे पटाऊंगी कैसे? बकवास बंद करो, ये सब मजाक की बात थी। क्यों, डर गई? कोई डरी वरी नहीं हो, वो मुझसे सच्चा प्यार करता है और किसी और का रंग उस पे चढ़ने नहीं वाला। इतना घमंड? विश्वास। तो फिर दे नंबर। हाँ लिख ले। हेलो, कौन? वही जो पिछले 3 दिनों से तुम्हारी आवाज दोबारा सुनने को तरस रही थी। रेखा? वाह, अब तो मेरी आवाज और मेरी अंदाज दोनों पहचानने लगे। वैसे समीरा ने बताया था कि मैं तुम्हें बहुत पसंद आई। मैंने तो ऐसा कुछ नहीं कहा, बट या ये भी सच है कि तुम्हें तो कोई भी लाइक कर सकता है। तुम भी? हाँ, अगर मैं सिंगल होता तो शायद मैं भी। वैसे जब तक किसी की शादी ना हो जाए मेरे लिए वो सिंगल ही रहता है। मिलना चाहोगे? ठीक है, आज शाम को मिलते हैं। लेकिन समीरा के बिना। ओके। ऐसे क्या देख रही हो समीरा? हाँ तो गया मिलने, लेकिन ऐसे जैसे कि कोई एहसान कर रहे हो। एहसान की बात नहीं है यार, आई एम बिजी। ऐसा क्या चल रहा है तुम्हारी जिंदगी में? कुछ नहीं, बस थोड़ा काम था। खाओ मेरी कसम कि तुम्हारे जिंदगी में बस मैं ही हूं। हाय। अरे रेखा, तुम दोनों को यहां देखा तो सोचा चली आऊं, अगर डिस्टर्ब किया है तो वापस चली जाती हूँ। अरे नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, आप बैठना। नहीं ठीक है। और विशाल, आजकल मिलते नहीं हो,
कहाँ बिजी रहते हो भाई? मैं अभी अभी वो समीरा को यही समझा रहा था कि मैं थोड़ा बिजी हूँ काम में। अरे भाई, काम वाम अपनी जगह, पर दोस्तों को टाइम देना भी जरूरी होता है। क्यों समीरा, सही कह रही हूँ ना? विशाल को लेट हो रहा है, चलो चलते हैं। हो जाने के बाद कुणाल तुम्हारे साथ कैसा बिहेव कर रहा था? छोड़ो मुझे। ऐसा क्या है उस विशाल में? विशाल! 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 आज के बाद अगर इसके आसपास भी फटका ना, तो रेखा तो क्या दुनिया में किसी लड़की के लायक नहीं बचेगा, समझा? लायक तू नहीं बचेगा, तो देख अब मैं क्या करता हूं। इश्क का जुनून जब सर चढ़कर बोलता है तो नाजायज और जायज के फर्क को भूल जाता है, क्योंकि ऐसा अक्सर होता है कि एक लड़का या लड़की अपने पहले प्रेमी को या प्रेमिका को छोड़ दूसरे की तरफ आकर्षित हो जाते हैं और फिर नफरत और ईर्ष्या का एक खतरनाक रूप धारण करने लगता है। रेखा कुणाल की नजरों में अब कांटे की तरह चुभ रही थी। जिसका ख्याल कभी दिल को सुकून देता था, आज वही ख्याल उसे शैतान बना रहा था। अपने प्यार का जानी दुश्मन कोई कैसे बन सकता है? समीरा का ना ही कोई दुश्मन था, ना ही किसी के साथ लड़ाई झगड़ा। मान लो कि तुम दोनों ने ही मिलकर उसे अपने रास्ते से हटाया है। मैं मानता हूं कि हमने उसका दिल दुखाया, उसको धोखा दिया, लेकिन मर्डर नहीं कर सकते हम उसका। वो बहुत प्यारी और मासूम लड़की थी। और तुम रेखा, तुम तो ऊपर से नीचे तक स्वार्थ और चालाकी से भरी पड़ी हो। कहीं तुम्हीं ने तो नहीं मार दिया समीरा को? मैं मानती हूं मैम कि मैंने उसे कई झूठ बोले, बहुत सारी बातें छिपाई, लेकिन मैंने उसका मर्डर नहीं किया। मैं इतनी भी बेवकूफ नहीं हूं कि एक लड़के के चक्कर में अपने आप को मर्डर केस में फंसा लूं। जाओ। क्या लगता है? मर्डर ना किया, हो सकता है किसी से करवाया हो। इतने सालों का एक्सपीरियंस है डिपार्टमेंट में, इतना तो समझ आता है कौन सच बोल रहा है और कौन झूठ। ये लोग क्लीन है। एक काम करो, इलाके के जितने छोटे मोटे गुंडे बदमाश सबको उठा के लाओ पूछताछ के लिए। नाम क्या है तेरा? प्रदीप। फोन निकाल। ये पिंटू कौन है? दोस्त है हमारा।
अरे यार प्रदीप, बार बार फोन मत कर, बोला ना कुछ नहीं होगा, शांति रख। जो होना था सो हो गया। कौन बोल रहा है बे? इंस्पेक्टर सुरभि ठाकुर, थाना महावीर नगर। थाने से? अब चुपचाप शांति से यहाँ आ जा, वरना तेरी जिंदगी अशांत कर दूंगी। जी मैम, आपने बुलाया? तुझे किसने बुलाया? मैडम, मैं ही पिंटू हूँ। इस उचक्के के नंबर से कई कॉल गए तुम्हारे फोन पर, क्यों? मैडम, पैसों के लिए। कैसे पैसे? मैडम, उस दिन विशाल से झगड़ा होने के बाद मैं गुस्से में इसी के पास गया था। उस विशाल ने, उसने मेरी बनती पर हाथ डाला, छोड़ूंगा नहीं उसे। भाई रास्ते से तो अपन उसको हटा देंगे, तू ना बस एक बार तेरी बंदी से साफ साफ पूछ ले, वो तेरे पास वापस आएगी। बड़े ढीठ आदमी हो तुम, हजार बार मना करने के बाद भी कुत्ते की तरह पीछे चले आ रहे हो। कुत्ते जैसी आदत तो मेरी हो गई है रेखा। रेखा प्लीज, उस विशाल को छोड़कर मेरी लाइफ में वापस आ जाओ। तेरे जैसे के लिए उसे क्यों छोड़ू मैं? अगली बार अगर मुझे कॉल किया ना तो सीधे हरासमेंट का केस डालूंगी तुझ पे। हरासमेंट? उस विशाल का कुछ करना पड़ेगा, तभी वो रेखा मेरे पास वापिस आएगी। काम तो हो जाएगा, मैं उसके लिए थोड़ा पैसों का इंतजाम करना ही। तू पैसे की चिंता मत कर, मैं तुझे दूंगा जितना चाहिए।